से भाई को रोकते हुए लेके जा रहे थे, बट भाई के अंदर शायद बदमाशी ज्यादा आ गई थी, क्योंकि अपने एरिया में तो भाई वो वाली बात है, कुत्ता भी शेर होता है। इलाज वो करवा दो, मैं तो कार्ड लेने गया था, तुमने चूतिया मार दिया। और नाम खराब इसका होगा कि भाई डीजे रावण का एक कोई आदमी था, उसने खुलेआम धमकी दी, और वो आदमी कहाँ से था? मेरठ मुजफ्फरनगर यूपी से था। तो इसलिए ऐसा मत करो। हम आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमारे से कोई गलती है। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। तो भाई स्वागत है कौन है व्लॉग में, और इस व्लॉग में सबसे हॉट टॉपिक जो कावड़ यात्रा 2024 का चल रहा है कि डीजे सार्जन और डीजे रावण की जो लड़ाई हुई आपस में, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग डीएम में पूछ रहे हैं कि भैया कुछ पता है तो बताओ, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताओ, क्या डीजे सार्जन झारखंड निकल गया वापस, या वो दोबारा आ रहा है, सेटअप बना रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और कहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरह से किसने बदतमीजी की, और कहाँ से ये सारा मुद्दा स्टार्ट हुआ। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि डीजे रावण की एंड से जो बातें सुनने में आ रही हैं कि जो उन्होंने बदतमीजी की है, या फिर जो धमकी दी है, या फिर जो भी उनके ट्रक वगैरह तोड़े सार्जन के, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि बुरा मत मानना, पर ये हरकत बहुत गलत है। आप, मैं, हम सब जो अपने यहाँ के लोग हैं, वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। अपनी एरिया की बदनामी दूर एरिया झारखंड में नहीं होनी चाहिए, तो वो इस वीडियो का मोटिव है और यही अपील रहेगी इसमें। बाकी देखते हैं कि मैटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो भाई बात ऐसी थी कि परसों को डीजे सार्जन और डीजे रावण का कॉम्पिटिशन हुआ रात में, तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, टक्कर बढ़िया अभी बराबर की, पर लोग सार्जन को ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो ये वाला कॉम्पिटिशन हुआ, आराम से रिपट गया। उसके नेक्स्ट डे यानी कल वहां से मेन रोड स्टार्ट हुई, जहां पर आपस में दोनों का कॉम्पिटिशन हो रहा था दिन के टाइम। आपको भी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन है वो भी दिखाता हूँ कि लोग किसकी साइड पे। और जैसे कि आपने देखा कि लोग ज्यादातर सार्जन चिल्ला रहे थे, उसकी साइड ज्यादा थे कि मतलब उसका बेस सिस्टम ज्यादा अच्छा है। अब जो रावण के ओनर हैं मिस्टर रवि चौधरी, उनका कहना तो यह है कि वो यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने एक वीडियो निकाली है अभी। जब उनको इतनी हेट मिलने लगी और लोग उनको इतना करने लगे क्रिटिसाइज, तब उन्होंने एक वीडियो निकाली आज अपने जवाब में कि भाई मेरी गलती नहीं है और ये वो सो। बाकी उसके बारे में आगे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे अभी, बट यहाँ पे एज पर हिम वो यहाँ पे नहीं थे, जबकि वीडियो में वो दिखेंगे अभी, और उनका कहना है कि वो बाद में आए थे, बट उनकी टीम के लोग थे और वो आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे थे। बट पता नहीं बीच में क्या हो गया था उनसे कि डीजे रावण की साइड से गाली गलौज और बदतमीजी स्टार्ट हो गई, जो आप इस वीडियो में देखो। तुमने चूतिया मार दिया, लाओ लाओ लंबा बुला लाओ लेट पे हम करेंगे इलाज, हम करेंगे अभी। गाली देना, इसे गाली देनी सिखा दो अपने पे, मैं तो तेरे बाप से ज्यादा नहीं, अगर तुझे गाली देने सिखा दी मैंने, ला लेट खाने का, ओ लेट लाओ लेट लेट लिया लेट लिया जितने भी लिया लिया लेट लिया, ओ लाओ लेट लाओ ओ लाओ लेट ओ लेट लाओ पकड़े सा ट्रक ओ लेट लाओ ले गाली कैसा दे रहा है, गाली कैसा दे रहा, इस पर राज करूंगा मैं, मैं कावड़ में गिरा रखा चूतिया माने जितेंद्र वही तो बहुत चोट हो गई। कैसा दे रहा गाली कैसा दे रहा, यह चूतिया अपना गाली कैसा दे रहा, लाभ लाभ बैठ कर लो। अब जो माइक पे भाई बोल रहा है रवि चौधरी है, तो इसका कहना यह है भाई का कि मुझे गाली दे दी, जो कि मुझे पूरी वीडियो में अब तक सुनाई नहीं दी कहीं पे भी, जो मेरे पास वीडियोज आई हैं और जो मैंने लोगों से पूछा भी, बाकी दी हो ना दी हो वो तो भाई किसी को बताओ तो बताना, मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दी, सिर्फ सिंपल कॉम्पिटिशन चल रहा था। इतने में भाई आया पीछे से, और भाई ने भाई आके खुद से माँ की बहन की मैं चूतिया हूँ, ये है वो है, मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बोलना स्टार्ट कर दिया, और लोग संभाल रहे रोक रहे हैं, पर भाई मान नहीं रहा था, क्योंकि भाई के अंदर बदमाशी ज्यादा घुस चुकी थी उस टाइम के लिए। उसके बाद सामने से तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर यहाँ से भाई माइक पे चिल्लाए जा रहा था, इस तरह से भाई को रोकते हुए लेके जा रहे थे, बट भाई के अंदर शायद बदमाशी ज्यादा आ गई थी,
क्योंकि अपने एरिया में तो भाई वो वाली बात है, कुत्ता भी शेर होता है। तो शायद मैं भी उस टाइम भाई को लगा कि भाई ये तो अपने एरिया अपने लोग हैं, तो बाहर वाला कोई आया इसका इलाज कर दो पूरा, इसे दिखा दो कि मुजफ्फरनगर मेरठ और ये जो बेल्ट है अपनी इसका नाम बदनाम क्यों है, इसको और बदनाम करते हैं। तो भाई ने वो वाली चीज दिखाई। उसके बाद भाई वहां से ये निकल गए आगे या पीछे निकल गए, जैसे भी जो भी हुआ, उसके बाद भाई सीधा अपडेट ये आई कि भाई सार्जेंट डीजे के ऊपर हमला हो चुका। हमला कैसा हुआ कि उसके तीन वो ट्रक लेके आ रखा है अपने। उसके बाद जैसे कि तुमने धमकी में सुना होगा कि भाई लट ले गाओ, अभी आ रहे लमंडे, अभी तुझे मारते मारते ले जाएंगे, तो ऐसी ऐसी बात जो थी मुंह से निकली हुई वो सच होती दिखने लगी। अगर आप देख पा रहे हो उस वीडियो में, जो ट्रक है उसको तोड़ रखा है, जो उसके शीशे है उस पर लट मार के तोड़ा है उसको, जो ड्राइवर है उसके भी हाथ में चोट लगी हुई है। उसके बाद भाई अगले का सामान इतना महंगा होता है, जो सब डीजे वाले सबका सामान बहुत महंगा होता है, तो जो डीजे सार्जन है उसको समझ में आया कि भाई यहाँ पे रहना सही नहीं है। जो यूपी के लोग बदनाम है वो बात उसको रियलाइज हो गई होगी कि भाई सच में यहाँ तो हाल खराब है, यहाँ कोई वेलकमिंग नेचर का नहीं लग रहा, यहाँ तो सब बदतमीज उतर रहे हैं। तो उसने डिसाइड करा कि भाई मैं तो अपना सेटअप खोल के डीजे खोल के वापस जा रहा हूँ अपने झारखंड। उसके बाद भाई वीडियो आई जो रावण डीजे के जो ओनर है मिस्टर रवि चौधरी, जिनको आपने देखा जो बाइक लेके बदमाशी दिखा रहे थे कि भाई यू कर देंगे और वो कर देंगे, उसके बाद उनकी वीडियो आई। इस वीडियो में इनकी ऐसी ऐसी बात है जो मुझे मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई, क्या पता मैं गलत हूँ, बट मुझे तो उसका कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। आप अपने आप सुन के देखो, इनके किसी टीम के बंदे के ऊपर कुछ किसी ने मारा, अब पता नहीं वो सच है झूठ है। तो अगला भाई उसके लिए बोल कर रहा है, सुनो आप। देखने के बाद उस लड़के के सिर में डंडा मारा, लेकिन उसका भी हम मुकदमा दर्ज करवाए गए हम सार्जेंट डीजे पार्टी पे। आपने देखा होगा कि जो इंसान खुद खुलेआम धमकी दे रहा है कि पकड़ो मालिक को, मारो, लट लेके आओ, जो खुलेआम वीडियो पे रिकॉर्डेड जो धमकी दे रहा है वो इंसान कह रहा है उसके ऊपर हम केस डालेंगे, तो ये बात तो आप ही बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में कि केस किसको किसके ऊपर डालना चाहिए। तो उसके बाद भाई ने बोला कि हमारा डीजे वाला बिल्कुल बंद था, जो कि आपने देखा कि कंपटीशन में पूरी बराबरी आ रही थी, पर एक भाई की आवाज सुनो और उसके बाद मैं इन्हीं के डीजे की एक वो सुनाऊंगा साउंड। हमारा डीजे वाला बिल्कुल बंद था, हमारे डीजे वाले को जबरदस्ती बजवाया गया। रावण डीजे का पंच देखो हमके। आपने देख लिया होगा कि डीजे के हिसाब से बंद था, पर वहां पे आवाज आ रही है डीजे रावण का बेस चेक करो। कितना इसमें लॉजिक है, कितनी सच्चाई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एक और बात सुनो, भाई ने क्षमा तो मांगी जो कि अच्छी बात है, बट फिर भाई कह रहा है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। मतलब पूरा वीडियो में धमकी देते हुए भाई बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा, हाथ से निकल निकल के भाग रहा, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कितना गुस्से में क्या धमकी दे रहा है, पर कह रहा है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, मतलब बात ही बिल्कुल खत्म कर दी। हम आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमारे से कोई गलती है, लेकिन इस वाले कांड में ना ही हमने किसी के साथ लड़ाई करी, ना ही उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी। जो लड़ाई हुई है लोकल गाँव की पार्टीबाजी की लड़ाई है, हमारी डीजे की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। चलो खैर आपने बात सुनी, चलो खैर मैंने मान भी लिया कि भाई इनकी लड़ाई नहीं है। मैं कह रहा किसी और ने ही उनका जो है तोड़ दे सामान, तुम नहीं थे भाई, तुम बिल्कुल बहुत अच्छे संस्कारी समझदार पूजा पार्टी भोले के भक्त इंसान हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं करा। पर मेरे भाई रिकॉर्डिंग में तुमने खुले आम धमकी दी है मेरे भाई, तो अगर तुमने नहीं भी करा ना तो शक तो तुम्हारे ऊपर ही जाएगा लोगों का। और मुझे तो पता ही नहीं कि सच्चाई झूठी क्या है, वो तो जो लोग वहाँ एट अ टाइम प्रेजेंट थे उनको पता होगा, मेरे पास तो जो डेटा आया है और जिस हिसाब से मैंने एनालाइज करा बैठ के वो मैं बता रहा हूँ। और मेरा ये सब बताने का और दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी बुराई करके तुम्हारे अगेंस्ट लोगों को करूँ या जो सार्जन का सपोर्ट करूँ। मेरा बस मोटिव इतना सा है कि भाई कि अपने एरिया को आप करो रिप्रेजेंट, तो आपके हाथ में है कि आप कैसा मैसेज पहुंचाओगे हमारी यूपी को लेके पूरे देश में कि यहाँ के लोग कैसे हैं, और कोई बाहर से फर्स्ट टाइम आता है तो उसका वेलकम करते हैं या फिर इस तरह से उसको धमकी देके बोलते हैं कि भाग यहाँ से। तो ये तुम्हारे हाथ में है भाई, क्योंकि भूलो मत कि तुम यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो फिलहाल, और खासकर हमारे जो बेल्ट है मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर हरिद्वार जो बेल्ट है हमारी, इसका नाम बदनाम मत करो। लोग भाई के पीछे पड़ चुके हैं फिलहाल, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे कि रवि और दूसरा जो भी भाई है वो कि इनके ऊपर केस करो, FIR करो, इन्होंने सारा माहौल खराब कर दिया, मेला खराब कर दिया, तो इतने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं तो तुम्हें भी देख के छैन लग रहा होगा वाली बात। तो इसलिए जुबान पर कंट्रोल रखो और कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लो। 2017 से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता, जो मैंने सुना है अब तक, 2-3 साल से तो मैं देखता रहा हूँ, ब्लॉग्स बना रहा हूँ, कि आज तक कोई डीजे खुल के वापस गया हो। ये तुम्हारे राज में और तुम्हारी देखरेख में ये काम हुआ है, और वो भी किसके साथ हुआ है, जो इंसान बाहर से आया था। खैर इसमें जिसकी भी गलती है भाई वो तो अंदर की बात अपने मन में सबको पता होती है कि रवि की गलती है या सार्जन की गलती है या बीच में अमर, जो अमर साउंड है सुनने में ऐसा है कि अमर साउंड जो है वो लेके आया सार्जन को, मतलब उसके थ्रू सार्जन जो है इस बार यहाँ पे आया। तो इनका कहना ये भी है कि अमर की बीच में गलती है और अमर की गलती निकाल रहा है, तो जो भी आपस में सब गलती खेल रहे हैं। पर मेन बात वही होगी ना भाई कि रवि चौधरी ने जो खुलेआम धमकी दी है तो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, तो इसलिए जुबान का देख के सोच के इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेगी वो। खैर भाई चलो ये वाली बात यहाँ खत्म हुई, तो अब बात खुशखबरी की है, बहुत ज्यादा बोल लिया मैं। और खुशखबरी है
कि डीजे सार्जन को बहुत समर्थन मिला, बहुत सपोर्ट मिला, मतलब लोगों ने इतना सपोर्ट करा कि पूछो मत, कि कमेंट्स में बैक टू बैक उसको फोन करके उसके पास मिल के लोग वहां पहुंच गए जहां पे उसका डीजे है, सब ने बहुत सपोर्ट करा। वो जो डीजे सार्जन है उसने दिखाते हुए मैच्योरिटी अपना फैसला बदल दिया, उसने कहा जब आया हूँ तो यूपी के लोगों को नाराज नहीं करूंगा, सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो उसने अपना सेटअप दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया है। खतरनाक पूरे इंडिया के हर हरिद्वार में लेंगे और रहेंगे। अब उसके सेटअप में लग रही है किस बेस, थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि टाइम कम है, अब आज तारीख हो चुकी है 29, दो तीन दिन बाद शिवरात्रि है, तो सेटअप फटाफट रेडी हो रहा है और शाम तक रात तक दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई कुछ खबरी की बात है, जिनको डीजे सार्जन देखना था वो आ रहा है, उसमें से एक मैं भी हूँ क्योंकि मेरा भी मन था उसको मैं पास से देखूं, सामने से फील तो करूं बेस है कैसी। तो इसी के साथ इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने लोगों से, चाहे वो डीजे रावण हो, चाहे कोई भी डीजे वाला हो, कोई बाहर से आया है अगर उल्टा नहीं बोल रहा, खाली साउंड टेस्टिंग चल रही है, साउंड कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो भाई कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन की तरह लो, नाम मत बदनाम करो। इतने इतने कमेंट्स आते हैं गंदे गंदे, यूपी के लोग ऐसे वैसे, मतलब बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। मेरी एक वीडियो है जिसपे 1.2 मिलियन व्यूज है लास्ट टू लास्ट ईयर की, उसमें इतने कमेंट्स हैं कि कभी आप यहाँ पे आओ हम आपका वेलकम करेंगे, आप कभी यहाँ पे आके अपना साउंड बजाओ या फिर हम लोग यहाँ से आएंगे, पता नहीं कहाँ से कमेंट्स आते हैं, महाराष्ट्र से, ओडिशा से, पता नहीं कहाँ से लोग कमेंट करते हैं। तो उन सब के बीच में ये वीडियोस घूमेंगी और नाम खराब इसका होगा कि भाई डीजे रावण का एक कोई आदमी था, उसने खुलेआम धमकी दी, और वो आदमी कहाँ से था, मेरठ मुजफ्फरनगर यूपी से था। तो इसलिए ऐसा मत करो, पहले ही ऑलरेडी डीजे शहर के अंदर बैन हो चुके हैं, ऐसे ही चलता रहा अगर तो प्रशासन बहुत टाइट है, आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि डीजे बंद ही हो जाएं, फिर उसके बाद करते रहना ये सब लड़ाइयां, धमकीबाजी, आ जा देख लूंगा, मार दो तोड़ दो। तो इसलिए इसी के साथ इसको एंड करते हैं भाई व्लॉग को, बाकी अपनी सीरीज चल रही है कावड़ यात्रा की, बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं, आते रहेंगे शिवरात्रि तक, उसको देखते रहना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको दबा के जाना, साइड में घंटे का आइकन भी होगा उसको भी दबा के जाना, जिससे कि आपको मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाए। आपसे मिलता हूँ पार्ट 6 ऑफ कावड़ यात्रा सीरीज के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और हर हर महादेव। मैटर मेरा केड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।